हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वज आदि मानव थे। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से हमारा विकास हुआ और आज हम मोबाइल और लैपटॉप पर infinitystream.tv पर क्वांटम कंप्यूटिंग की डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर की समझ रखते हैं तो क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में जरूर से सुना होगा। आज की हमारी डॉक्यूमेंट्री इसकी डीप स्टडी करेगी और क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी लगभग हर चीज आपको समझाएगी। तो स्वागत है आप सभी का infinitystream.tv पर। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात जरूर होगी, पर क्वांटम है क्या, सबसे पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि कभी क्वांटम फिजिक्स तो कभी क्वांटम मैथमेटिक्स तो कभी क्वांटम कंप्यूटिंग, ऐसी टर्म्स से कभी ना कभी आपका पाला जरूर पड़ा होगा। तो क्वांटम का मतलब है स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट यूनिट ऑफ फिनोमिनन। जैसे लाइट यानी रोशनी का क्वांटम है फोटोन और इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटम है इलेक्ट्रॉन। दरअसल क्वांटम एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है अमाउंट या हाउ मच। तो क्वांटम हुआ किसी भी घटना या चीज को नापने का सबसे छोटा यूनिट। यानी अगर कंप्यूटर की दुनिया में क्वांटम आया तो इससे छोटा और कुछ नहीं होगा। आई होप इन बेसिक्स के क्लियर हो जाने के बाद अब आगे बढ़ सकते हैं। अब इतिहास में चलते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में आपका लॉजिक इतना क्लियर हो जाएगा कि शायद ही आप इसे कभी भूल पाएंगे। दुनिया भर में इतिहास के पन्ने अगर आप पलट कर देखेंगे तो आदि मानव से मॉडर्न मैन तक का हमारा सफर तीन इंपॉर्टेंट चीजों से तय हुआ है। पहला हमारा दिमाग, दूसरा आग यानी कि फायर, और तीसरा शार्प ऑब्जेक्ट्स यानी पत्थर, लकड़ी और लोहे से बने हथियार। वक्त बदला और ये तीनों चीजें रिप्लेस हो गई। जैसे फायर बन गया न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो शार्प ऑब्जेक्ट यानी हथियार बन चुका है एटम बॉम्ब। और सबसे बड़ा अपग्रेड हुआ हमारा दिमाग। 1960 का दौर आते आते हमने कंप्यूटर बना लिया और गुजरते समय के साथ ये बेहद छोटा और पावरफुल बनता चला गया। लेकिन हर चीज की एक फिजिकल लिमिट होती है और कंप्यूटर के केस में वो लिमिट अपने पीक पर है, क्योंकि कंप्यूटर्स अब नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। अब चीजें रिपेयर नहीं, सीधे रिप्लेस होती हैं। कंप्यूटर चिप्स इतने छोटे हो गए हैं कि अब एटम साइज के कंप्यूटर चिप्स और ट्रांजिस्टर्स आ रहे हैं और चीजें बेहद कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। अब हमें लगता है कि ये तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की ग्रोथ है, क्योंकि एडवांस होती टेक्नोलॉजी और भी फास्ट होती जा रही है। पर ये एक प्रॉब्लम क्यों है, चलिए समझते हैं। कंप्यूटर का बेसिक आप भी जानते हैं, इसमें मेन मेमोरी, अर्थमेटिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट होते हैं जो डेटा इंसर्ट करने के बाद इन्हें प्रोसेस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। अब कंप्यूटर मदरबोर्ड की बात करें तो इसमें सर्किट चिप्स होते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं जैसे एंड और नॉट। इसके बाद होते हैं ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर बेसिकली एक स्विच की तरह काम करता है जो कि कंप्यूटर में डेटा यानी इंफॉर्मेशन को या तो आने देता है या फिर रोकता है। इस इंफॉर्मेशन को कहते हैं बिट्स, जो कि जीरो या वन होता है। अब जितने ज्यादा जीरो और वन होंगे, डेटा उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट्स का काम करते हैं जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिविजन करने में हेल्प करते हैं। अब कंप्यूटर अगर कैलकुलेट कर रहा है तो वो कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपका 6 से 7 साल का बच्चा बेसिक कैलकुलेशंस कर लेता है। तो इस तरह क्लास के ढेर सारे बच्चे एक साथ मिलकर जो कैलकुलेशंस करेंगे, उसी तरह कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करता है। क्योंकि अब कंप्यूटर पार्ट्स बहुत ही छोटे या टाइनी होते जा रहे हैं, तो चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं। तो आज ये ट्रांजिस्टर्स छोटे होते होते 40 नैनोमीटर्स की साइज तक जा पहुंचे हैं। ये साइज HIV वायरस से 8 गुना कम है और रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC से 500 गुना छोटा। क्योंकि ट्रांजिस्टर्स एक एटम की साइज में श्रिंक होते जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स खुद को ट्रांजिस्टर द्वारा क्रिएट किए गए ब्लॉकेज की दूसरी साइड में ट्रांसफर कर ले। इस प्रोसेस को कहते हैं क्वांटम ट्यूनिंग। अब अगर आपने एवेंजर्स एंड गेम देखी है तो आपको याद होगा कि क्वांटम रेल्म में घुसकर सभी सुपर हीरोज अतीत में चले जाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पर भी क्वांटम रेल्म नाम की थ्योरी है, जिसके मुताबिक क्वांटम रेल्म में फिजिक्स डिफरेंटली बिहेव करता है, जहां ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स का कोई सेंस नहीं रह जाता। अब कंप्यूटर साइंटिस्ट एक ऐसे फिजिकल बैरियर तक जाने की सोच रहे हैं
जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को एक अनएक्सपेक्टेड और एडवांस लेवल पर ले जाए। और दुनिया भर के कंप्यूटर साइंटिस्ट इन्हीं अनयूजुअल क्वांटम प्रॉपर्टीज से क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए लगे हुए हैं। एक नॉर्मल कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन का सबसे छोटा हिस्सा होता है बिट्स। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर किसी भी डेटा को जीरो या वन में समझता है। कंप्यूटर को भेजा गया कोई डेटा या वीडियो कंप्यूटर में करोड़ों जीरो और वन में कन्वर्ट होता है, और जिनको मैसेज या डेटा भेजा गया है उनके लिए उस डेटा को कन्वर्ट करके एक्चुअल फॉर्मेट में परोस देता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम बिट्स या क्यू बिट्स टेक्नोलॉजी यूज होती है, जिसमें जीरो या वन के अलावा भी ये दोनों एक साथ मौजूद हो सकते हैं। जैसे कि जब हवा में कोई सिक्का उछाला जाता है तो हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटी आधी आधी होती है, लेकिन अगर एक सिक्के को क्वांटम सिक्का कहा जाए तो हवा में उछालने पर एक समय में दोनों ही साइड उसमें एक साथ मौजूद होते हैं। यही है सुपर पोजिशनिंग। इस कॉन्सेप्ट को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। एक क्यूबिट किसी भी दो लेवल का क्वांटम सिस्टम हो सकता है, जैसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई स्पिन या इलेक्ट्रिसिटी का एक सिंगल फोटोन। अब क्वांटम वर्ल्ड में एक क्यूबिट वर्टिकली कुछ अलग वैल्यू रख सकता है तो हॉरिजॉन्टली कुछ अलग, या फिर दोनों एक साथ। यही है इसकी सुपर पोजिशन। लेकिन जैसे ही आप इसकी वैल्यू टेस्ट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए क्यूबिट को किसी फोटोन फिल्टर से गुजार कर, तो इसे डिसाइड करना पड़ता है कि ये खुद को वर्टिकली पेश करे या हॉरिजॉन्टली। तो जब तक एक क्यूबिट अपनी सुपर पोजिशन में रहता है, तब तक ये जीरो भी हो सकता है और एक भी, जिसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही इसे मेजर करने की कोशिश होती है, ये खुद को कॉलेप्स कर लेगा, यानी इसकी वैल्यू जीरो आएगी या तो वन। इसलिए सुपर पोजिशन को गेम चेंजर कहा जाता है। अगर एक नॉर्मल कंप्यूटर के क्लासिकल बिट्स की बात करें तो ऐसे चार बिट्स 0 और 1 के मैक्सिमम 16 कॉम्बिनेशंस देते हैं। इन 16 कॉम्बिनेशंस में से किसी एक पर्टिकुलर टाइम में सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन को ही यूज किया जा सकता है। लेकिन सुपर पोजिशन के ऐसे चार क्यूबिट्स एक ही साथ ये सभी 16 कॉम्बिनेशंस में हो सकते हैं। जैसे जैसे क्यूबिट्स बढ़ते जाते हैं, ये नंबर्स भी बढ़ते जाते हैं। ऐसे 20 क्यूबिट्स अपने अंदर लाखों करोड़ों वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। इन क्यूबिट्स की एक अजीब सिचुएशन होती है जिसे एंटेंगलमेंट यानी कि उलझन कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स स्टेट है जहां पर दो क्यूबिट्स के बीच भले ही कितनी ही दूरी क्यों ना हो, ये आपस में क्लोज कनेक्शन रखते हुए तुरंत अपनी वैल्यू एक दूसरे के साथ बदल भी सकते हैं। इसलिए क्यूबिट्स को मैनिपुलेट करना एक माइंड बेंडिंग प्रोसेस है, यानी लगभग नामुमकिन। एक नॉर्मल कंप्यूटर से क्वांटम कंप्यूटर का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि क्वांटम कंप्यूटर में लॉजिक गेट्स नहीं होते, यानी एंड और नॉट जैसा कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं होता। सीधे इनपुट दीजिए और एक डेफिनेट आउटपुट पाइए। लॉजिक गेट्स के बदले क्वांटम कंप्यूटर में होता है क्वांटम गेट, जहां से इनपुट एक सुपर पोजिशन में एंटर करता है और बहुत सारे सुपर पोजिशंस आउटपुट जनरेट होते हैं। इस वजह से एक ही वक्त में मिलते हैं बहुत सारे ऑप्शंस ऑफ रिजल्ट। इस वजह से कैलकुलेशन टाइम बहुत कम हो जाता है और कम टाइम में मिलता है ज्यादा आउटपुट। तो इन सभी ऑप्शंस ऑफ रिजल्ट में आप एक रिजल्ट को ही मेजर कर सकते हैं, और वो है सिर्फ वही रिजल्ट जो अल्टीमेटली आपको चाहिए। तो आप उसे डबल चेक भी कर सकते हैं, लेकिन सुपर पोजिशन के चलते ये इतना एफिशिएंट होगा कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर ऐसी कैलकुलेशंस एक नॉर्मल कंप्यूटर से पॉसिबल नहीं होगी, और इसलिए हम और आप घरों में, ऑफिस में या पर्सनल वर्क के लिए जो कंप्यूटर यूज करते हैं, उन्हें क्वांटम कंप्यूटर रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इन्हें यूज किया जाएगा बड़े, बहुत ही बड़े कैलकुलेशंस के लिए, जैसे डेटाबेस सर्चिंग। एक सिंपल कंप्यूटर डेटाबेस में रिजल्ट ढूंढने के लिए लगभग सभी सिंगल एंट्रीज को चेक करेगा। क्वांटम कंप्यूटर ऐसे डेटाबेस सर्च के लिए अपना एल्गोरिदम यूज करेगा और क्विक रिजल्ट देगा। क्वांटम कंप्यूटर का सबसे ज्यादा यूज आईटी सिक्योरिटी को तोड़ने में किया जा सकता है, जैसे अभी हम जो ईमेल, बैंकिंग या ओटीपी, डेबिट कार्ड पिन जैसी एनक्रिप्टेड चीजें यूज करते हैं, उनमें यूजर स्पेसिफिक वैल्यू यानी पासवर्ड डालने पर चीजें एक्सेस होती हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर से इन्हें डीकोड किया जा सकता है, जो एक नॉर्मल कंप्यूटर को करने में सालों लगेंगे। साथ ही क्वांटम कंप्यूटिंग की थ्योरी अगर सही साबित हुई और साइंटिस्ट एक परफेक्ट क्वांटम कंप्यूटर बनाने में सफल हुए, तो सिमुलेशंस जैसे प्रोसेस और भी फास्ट हो जाएंगे। जैसे किसी आर्टिफिशियल चीज को बनाना, अगर आपने ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट के बारे में सुना है तो आपको पता होगा कि दुनिया भर के साइंटिस्ट लैब में इंसानी दिमाग की कॉपी बनाने में लगे हुए हैं, जो एक्चुअल ब्रेन की तरह काम करेगा।
अगर इस पर डिटेल्ड नॉलेज आपको चाहिए तो infinitystream.tv पर आपको इसकी डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी। लैब में किसी आर्टिफिशियल चीज को डेवलप करना ही है सिमुलेशन, जिसे क्वांटम कंप्यूटर पॉसिबल कर सकता है। ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा, साथ ही मेडिकल साइंस में इसका ह्यूज इम्पैक्ट दिखाई देगा, क्योंकि दुनिया भर में बढ़ती बीमारियों को ठीक करने में ये एक्यूरेट इलाज सजेस्ट करेगा। अब हमें नहीं पता कि कंप्यूटर की दुनिया में एक क्वांटम कंप्यूटर एक स्पेशलाइज्ड टूल साबित होगा या एक रिवोल्यूशन। इसे पता करने का एक ही तरीका है, इसे बनाना, और दुनिया भर के पावरफुल और टेक्निकली एडवांस्ड देश इसी काम में लगे हुए हैं। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ये नया चैप्टर क्वांटम कंप्यूटिंग इतना पावरफुल है कि इससे हमारी दुनिया काफी हद तक बदल सकती है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इंडिया को इस टेक्नोलॉजी में आगे रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8,000 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है। इंडिया के अलावा इकोनॉमिकली मजबूत देश भी इस टेक्नोलॉजी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूएसए ने इसके लिए 2018 में लॉ भी पास किया और इसके लिए $1,20,000,000,000 का फंड भी दिया। चाइना तो अपने 5 ईयर्स डेवलपमेंट प्लान्स में क्वांटम कंप्यूटिंग को शामिल कर ही चुका है। कनाडा, जर्मनी, जापान, रशिया, इंग्लैंड जैसे देशों के अलावा गूगल, अमेज़न, IBM और माइक्रोसॉफ्ट भी इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसे इस एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप रास्ता भटक जाते हैं और किसी नॉर्मल कंप्यूटर से रास्ता पूछते हैं तो वो बताएगा कि या तो दाएं से जाइए या तो बाएं से जाइए, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर आपको दाएं या बाएं दोनों रास्ते चुनने को कह सकता है। यानी इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि क्वांटम कंप्यूटर से अपने सवालों के जवाब ज्यादा तेजी से ढूंढे जा सकते हैं। एक्चुअली एक जनरल कंप्यूटर हर वो काम कर सकता है जो एक क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है, लेकिन एक जनरल कंप्यूटर कितना टाइम कंज्यूम करेगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि अगर कोई कैलकुलेशन करने में क्वांटम कंप्यूटर को 1 घंटा लगेगा तो वही काम एक जनरल कंप्यूटर को करने में 1 जन्म लग जाएगा। इसे आसान भाषा में समझाएं तो अगर क्वांटम कंप्यूटर मेडिकल के फील्ड में कोई रिसर्च कर रहा है तो उसे पूरा करने में क्वांटम कंप्यूटर को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, पर एक नॉर्मल कंप्यूटर के लिए इसमें कई साल लग सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस में सेंटर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज के डायरेक्टर हैं विनफ्राइड हेंसिंगर, जो क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को रियलिटी में बदलना चाहते हैं। जो मानते हैं क्वांटम कंप्यूटर साइंस के सबसे गहरे रहस्य हैं। इसके लिए सुपरपोजिशन जैसे प्रोसेस पर कंट्रोल हासिल करना होगा, जो कि मुश्किल काम लगता है। मान लीजिए कि आप एक इंटेल माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम है और आपको 100 मीटर की एक रेस दौड़नी है। आपने प्रैक्टिस तो कर ली है और आप पूरे जोश के साथ ट्रैक फील्ड पर मौजूद है। आपको लगता है कि आप रेस जीत सकते हैं। अचानक आपने देखा कि आपके कॉम्पिटिटर्स में दुनिया के सबसे तेज एथलीट उसेन बोल्ट खड़े हैं। बोल्ट को देखते ही आपको रियलाइज हो गया कि अब तो आप रेस जीतने से रहे। यही डिफरेंस एक नॉर्मल कंप्यूटर और एक क्वांटम कंप्यूटर में। अगर नॉर्मल कंप्यूटर घोड़ा गाड़ी है तो क्वांटम कंप्यूटर एक सुपर कार है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी टेक जॉइंट कंपनीज भी सुपर कंडक्टिंग सर्किट टेक्नोलॉजी की मदद से क्वांटम कंप्यूटर बनाने की कोशिश में लगी हुई है। सुपर कंडक्टिंग सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसे -250 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर ठंडा करना होता है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है। क्वांटम कंप्यूटिंग हासिल करने के लिए जिन मशीन्स का इस्तेमाल होता है वो पहले के जमाने में बने कंप्यूटर जितनी बड़ी होती हैं, लगभग 1 कमरे जितनी, जो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे। दुनिया भर में जितने भी क्वांटम कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं वो 0 या 1 के बदले क्यूबिट्स या क्वांटम बिट्स बनाते हैं, लेकिन क्यूबिट्स बहुत ही कम बन रहे हैं। लुजियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लेट जोनाथन डाउलिंग ने कहा था कि जिस ईरा में हम जी रहे हैं वो डेटा ईरा है। यहाँ डेटा को सिक्योर करने पर जोर दिया जाता है। पर्सनल डेटा, कंपनीज का डेटा, सरकार और मिलिट्री का डेटा लीक ना हो जाए या गलत हाथों में ना पड़े, इसलिए उसे सिक्योर रखना जरूरी है। इसी रेस में सभी देश लगे हुए हैं ताकि अपने सभी इम्पोर्टेंट डेटा को सेफ एंड सिक्योर रखे। दुनिया के शक्तिशाली देशों को इस बात की फिक्र है कि उनका डेटा सुरक्षित रहे, इसलिए क्वांटम कंप्यूटर डेवलप करने की इतनी जल्दी बाजी मची हुई है। 2013 में अमेरिकी इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन ने US गवर्नमेंट की डेटा लीक कर दी थी जिनमें खुफिया जानकारियां थी। तब चाइना को रियलाइज हुआ था कि डेटा चुराने में अमेरिका उनसे कहीं ज्यादा आगे है, और अगर अमेरिका क्वांटम कंप्यूटर पहले बना लेता है तो वो चाइना की खुफिया जानकारी हासिल कर सकता है। बस इसी इनसिक्योरिटी की वजह से इन देशों में क्वांटम कंप्यूटर बनाने की रेस लगी हुई है।
आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एनक्रिप्शन का यूज होता है। यानी अनिल अगर सुनील को कोई एनक्रिप्टेड डेटा भेजता है तो रवि किसी आम कंप्यूटर से उसे आसानी से नहीं पढ़ सकता। इसे तोड़ने में रवि को कई साल लग सकते हैं, पर शायद किसी क्वांटम कंप्यूटर के लिए एनक्रिप्टेड डेटा को तोड़ना कुछ घंटों का काम हो। इसी टेंशन ने क्वांटम कंप्यूटर बनाने की सोच को बढ़ावा दिया है। ऐसा माना जाता है कि क्वांटम कंप्यूटर से सिक्योर किया गया डेटा किसी दूसरे क्वांटम कंप्यूटर से भी हैक नहीं होगा। अगर इसकी कोशिश हुई तो डेटा इरेज हो जाएगा और डेटा भेजने वाले को पता लग जाएगा कि डेटा हैक करने की कोशिश की गई थी, तो ऐसा डेटा के सुपर पोजिशनिंग के चलते होगा। यही रीजन है कि लाखों करोड़ों डॉलर्स खर्च करके यूएसए, चाइना, रशिया जैसे देश इस टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहते हैं। अभी भी कोई देश पूरी तरह से इसमें कामयाब नहीं हो पाया है, पर कंप्यूटर को इस कदर काबिल बनाने की ये जर्नी किसी एडवेंचर से कम नहीं है। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि कंप्यूटर चिप इंसानी शरीर में इम्प्लांट होने लगे हैं। साइंटिस्ट ने ऐसी चिप डेवलप करने में कामयाबी हासिल कर ली है जो हमारे इमोशंस की तरह सोच सकेगी। ह्यूमन ब्रेन में जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, वैसी ही एक्टिविटीज अब चिप में डालने की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ऐसे चिप्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कुछ ऐसे किया गया है जो रोबोट या कंप्यूटर्स में सिक्योरिटी सिस्टम को और एक्यूरेट बना देगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तरह के चिप्स किसी स्मार्ट डिवाइस को ठीक वैसे ही सोच देंगी जैसा किसी इंसान का दिमाग सोचता है। स्वीडन में डिसरप्टिव सबडर्मल्स कंपनी एक ऐसी माइक्रोचिप बना रही है जिसमें कोई भी अपना पर्सनल डेटा सिक्योर करवा के उस चिप को बॉडी में इम्प्लांट करा सकता है। चिप में पर्सनल डेटा को अनलॉक करने वाला कोड भी डाला जा सकता है। इसे इम्प्लांट करा चुके लोगों का कहना है कि ऐसा करवाने से कोई भी उनके डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। साइंटिस्ट मानते हैं कि रिस्ट पर पहने जाने वाले या हेल्थ डिवाइस के मुकाबले चिप इम्प्लांट करवाने का खर्चा कम है। नेदरलैंड में लोग बॉडी में चिप इम्प्लांट करवा कर उस चिप में अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का डेटा स्टोर करवा कर चिप से भी पेमेंट कर रहे हैं। इस चिप को बनाने वाली कंपनी वॉलेट मोर कहती है कि चिप का वजन 1 ग्राम से भी कम है और ये चावल के दाने जितनी बड़ी है। इसे आप दुनिया के अलग अलग शहरों में अपने छोटे मोटे बिल्स पे कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के साथ ऐसी बहस भी छिड़ जाती है कि क्या कभी ऐसा टाइम आएगा जब कंप्यूटर्स या रोबोट्स इंसानों पर कब्जा कर लेंगे। तो अभी इसकी संभावना बहुत ही कम दिखाई देती है, लेकिन हाँ, हॉलीवुड की साईफाई फिल्में देखकर हमारे मन में ऐसे ख्याल जरूर आते हैं, पर ऐसा दूर दूर तक होता नहीं दिखता। लेकिन कंप्यूटर साइंस में इतनी पॉसिबिलिटीज है कि किसी भी चीज को ना करना मुश्किल है, पर दुनिया में क्वांटम कंप्यूटर की संभावनाएं तलाशने की कोशिश जारी है। IBM ने कहा है कि कंपनी ने एक ऐसा एडवांस क्वांटम प्रोसेसर बनाने में काफी हद तक सक्सेस पा ली है जो एक सुपर फास्ट कंप्यूटर बनाने में हेल्पफुल होगा। अभी जो नया चिप तैयार हुआ है वो 127 क्यूबिट्स की कैपेसिटी रखता है जो पिछले IBM प्रोसेसर से डबल पावरफुल है। इसे ईगल प्रोसेसर नाम दिया गया है जो कि एक पार्टिकल क्वांटम कंप्यूटेशन के रास्ते में एक बड़ा माइलस्टोन है। 2019 में गूगल ने कहा था कि उनका 53 क्यूबिट वाला सीकामोर क्वांटम प्रोसेसर किसी कॉन्वेंशनल कंप्यूटर की कैपेसिटी को कहीं पीछे छोड़ आया था, जो कि अपने आप में इसका पहला एग्जाम्पल था। हालांकि 2016 में IBM वो पहली कंपनी बनी जो क्वांटम कंप्यूटिंग को क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी पर ले गई ताकि उसे ढेर सारी यूजर्स के लिए एक्सेसिबल बनाया जा सके। जब तक क्वांटम कंप्यूटर हकीकत नहीं बन जाता तब तक ये कैसे साबित हो कि क्वांटम कंप्यूटर की सोच रियली पॉसिबल है। इसे साबित करने के लिए क्वांटम सुप्रीमेसी नाम की थ्योरी यूज की जाती है। या क्वांटम सुप्रीमेसी का मतलब है क्वांटम कंप्यूटर्स का एक एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन जिससे ये दिखाया जा सके कि किसी भी क्लासिकल कंप्यूटर के मुकाबले क्वांटम कंप्यूटर कितना एडवांस हो सकता है और क्लासिकल कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस कितनी हाई स्पीड और एक्यूरेट है। साल 2021 में UK बेस्ड एक स्टार्टअप ओरका कंप्यूटिंग ने दावा किया था कि कंपनी ने दुनिया का सबसे छोटा क्वांटम कंप्यूटर बनाने में सक्सेस पा ली है। कंपनी का कहना है कि गूगल और IBM जैसी कंपनीज भी जो क्वांटम कंप्यूटिंग में बड़े खिलाड़ी हैं, वो भी फ्रीजिंग क्यूबिट्स पर काम कर रहे हैं जो क्वांटम कंप्यूटर का बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। ये एब्सोल्यूट जीरो यानी -273 डिग्री सेल्सियस पर बेस्ड है। पर ओरका कंप्यूटिंग के इंजीनियर्स का कहना है कि वो जिस क्वांटम कंप्यूटिंग पर काम कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पर काम कर सकता है। ये सिस्टम एक नॉर्मल कंप्यूटर की तरह दिखाई देता है जो रैक माउंटेड सिस्टम है।
कंपनी सिंगल फोटोन्स यानी लाइट के सिंगल यूनिट पर काम कर रही है। सिंगल फोटोन्स का फायदा ये है कि ये आउटसाइड टेम्परेचर के साथ इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडवांस बनाने और नई दवाइयां डेवलप करने के मामले में मिलियंस क्यूबिट्स की जरूरत पड़ेगी, जबकि अभी कंपनी सिर्फ 4 क्यूबिट्स तक ही पहुंच पाई है। ओर्का को यूके गवर्नमेंट से भी फंडिंग मिल रही है ताकि ज्यादा क्यूबिट्स हासिल करने पर काम किया जा सके। अगर 32 क्यूबिट्स तक की पावर मिल जाती है तो इसे टेस्ट किया जा सकेगा, तब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इसे मार्केट का उतार चढ़ाव मेजर करने में यूज करेगा और फेस क्राफ्ट नाम की कंपनी ऐसी बैटरीज बनाने में इसे यूज करेगी जिससे एनर्जी इश्यूज को एड्रेस किया जा सकेगा। पर ये जर्नी ना अभी बहुत लंबी है और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आने बाकी हैं। अगर इंडिया की बात करें तो दिसंबर 2021 में इंडियन आर्मी ने एक क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी बनाई, जो मध्य प्रदेश में मिलिट्री इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का एक AI सेंटर है। इसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट का भी सपोर्ट है। इंडिया के लिए क्वांटम कंप्यूटर बनाने की जिम्मेदारी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग को जॉइंटली मिली हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के 13 रिसर्च ग्रुप ने साथ मिलकर की आई हब क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन की स्थापना की है, जो क्वांटम टेक्नोलॉजी को बेहतरीन बनाने में जुटे हुए हैं। अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर की साइज के बारे में। अभी ये उसी प्राइमरी स्टेज में है जैसा कि कंप्यूटर का शुरुआती दौर था, वैक्यूम ट्यूब्स जैसा, जो कि कमरे जितने बड़े थे। क्योंकि क्वांटम पार्टिकल्स अपने आप में स्टेबल नहीं होते तो उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जा रहा है जो क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए एक परफेक्ट माहौल दे सके। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि 2019 में गूगल ने उनका 53 क्यूबिट्स वाला सिकामोर क्वांटम प्रोसेसर डेवलप कर लिया है, जो किसी भी कॉन्वेंशनल कंप्यूटर के मुकाबले कहीं ज्यादा फास्ट है। तो इसके लैब से आप अंदाजा लगा लेंगे कि अभी प्राइमरी स्टेज पर क्वांटम कंप्यूटर कितने बड़े हैं। एक्चुअली गूगल इसे लैब नहीं, क्वांटम AI कैंपस कहता है। ये काफी बड़ा कैंपस है जहां पर क्वांटम प्रोसेसर्स डेवलप करने के लिए दिखते हैं। बस हाई टेक मशीन, सेटअप, वायर्स और ये कुछ एक पावर प्लांट सा दिखाई देता है जहां एक्सपेरिमेंटल चीजों की भरमार है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ये एक फैक्ट्री का प्रोडक्शन रूम लगने लगता है। सबसे पहले दिखता है क्रायोस्टेट, जो कि लो कूलिंग मेंटेन रखने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर को चाहिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जो कि होता है -273 डिग्री सेल्सियस। यहाँ दिखता है गोल्ड और कॉपर कलर का ऊपर से नीचे को लटकता हुआ एक बहुत ही बड़ा केक जैसा स्ट्रक्चर, जिसे क्वांटम AI कैंपस में मेटल स्टेज कहते हैं। यही वो प्रोसेसर टाइप मशीन है जो सिकामोर क्वांटम प्रोसेसर प्लेट्स को थर्मलाइज करता है, यानी -273 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर थर्मलाइज करता है। -273 डिग्री सेल्सियस को 10 मिली केल्विन भी कहते हैं, मतलब गूगल क्वांटम AI कैंपस को कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द यूनिवर्स भी कह सकते हैं। वैसे जो भी कंपनी क्वांटम कंप्यूटर डेवलप कर रही है वो कुछ इसी तरह का टेम्परेचर मेंटेन करेगी। डोंट वरी, अगर आपको यहाँ जाने का मौका मिला तो चले जाइएगा, आपकी कुल्फी नहीं जमेगी, क्योंकि इतना कोल्डेस्ट टेम्परेचर सिर्फ प्रोसेसर को ही फ्रीज करने के लिए है, बाकी आप नॉर्मल कपड़ों में जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक कंट्रोल सिस्टम भी है जो क्वांटम प्रोसेसर्स को कंट्रोल करता है। इसमें आपको बहुत सारे वायर्स कनेक्टेड दिखाई देंगे। यहाँ दुनिया भर से आए हुए कंप्यूटर इंजीनियर्स काम करते हैं और जरूरत के लिहाज से एक एक चीज को कस्टमाइज करते हैं। ये एक टाइम टेकिंग मशीन है। गूगल का खुद का कहना है कि क्वांटम कंप्यूटर्स का प्रोग्रेस अभी अपने प्राइमरी लेवल पर है, जिसे बनने में 10 साल या और भी ज्यादा वक्त लगेगा। तो पहला कंप्यूटर बनने और उसका मिनी वर्जन यानी मोबाइल को हमारी पॉकेट तक आने में 50 साल लग गए थे, तो क्वांटम कंप्यूटर को भी काफी टाइम लगेगा आम लोगों तक अपनी पहुंच बनाने में। अब एक बड़ा सवाल है, आई नो आपने भी इसके बारे में जरूर से सोचा होगा। सवाल ये है कि जब हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, तो क्वांटम कंप्यूटर बनाने की जरूरत ही क्या है? अब तक पूरे मैनकाइंड ने जितने भी डेवलपमेंट्स देखे हैं, उसमें सुपर कंप्यूटर्स ने ही तो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, हमें मंगल तक पहुंचा दिया, मेडिकल इन्वेंशंस दिए, वेदर फोरकास्टिंग से लेकर की कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस तक दिए। तो इसका जवाब है इंसान की एम्बिशियस सोच। इसके आगे क्या? यही सवाल जो इंसान खुद से करता आया है और इसी से हमारी तरक्की हुई है।
हमने तोड़े हैं अपने ही खुद की लिमिटेशंस को। अगर आप रनिंग करते हैं तो पहले आप 2 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर और एक दिन मैराथन दौड़ने लगते हैं। तो कुछ ऐसी ही है कंप्यूटर वर्ल्ड की ये दौड़, बेटर एंड एडवांस देन द प्रीवियस। तो चलिए सुपर कंप्यूटर वर्सेस क्वांटम कंप्यूटर का एक मैच करवा ले। क्या ख्याल है? इस मैच के रेफरी होंगे आप और आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि कौन बनेगा विनर। एडवांस होते होते आज एक सुपर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेटर मॉडलिंग देने लगा है। दुनिया भर की भाषाएं बोल लेता है, ऑगमेंटेड रियलिटी टूल्स डिजाइन करता है। मेटा ने अपने मेटावर्स बनाने के लिए ऐसा ही एक सुपर कंप्यूटर AI रिसर्च सुपर क्लस्टर लॉन्च किया था। टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस का हजारों डेटाबेस एक साथ सर्च कर लेता है और स्पेस साइंस से जुड़े टफेस्ट कैलकुलेशंस कर लेता है, जैसा कि द मार्शियन मूवी में दिखाया गया था। वही क्वांटम कंप्यूटर किसी सुपर कंप्यूटर के कंपैरिजन में बहुत ही तेज सर्च रिजल्ट देगा। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना ने ऐसा ही एक क्वांटम प्रोसेसर जुचोंगशी बना लिया है, जो कि एक नॉर्मल कंप्यूटर से 1 मिलियन टाइम्स फास्टर है। मतलब एक क्वांटम कंप्यूटर को कंप्यूटर्स का रजनीकांत कह सकते हैं। अगर दुनिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स की बात की जाए तो इनमें नाम आता है सनवे ताइहू लाइट का, जो चाइना का सुपर कंप्यूटर है। इसमें 40,960 प्रोसेसर्स हैं, हर एक में 260 प्रोसेसर्स कोर्स हैं। AMD एथलॉन एक 260 प्रोसेसर कोर्स वाला कंप्यूटर प्रोसेसर है, जो आज के फास्टेस्ट कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में लगता है। यानी ऐसे 40,960 प्रोसेसर्स एक साथ काम करेंगे तो सनवे ताइहू लाइट को उतना ही इक्वल स्पीड मिलेगा। अब आप खुद ही इसकी स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं। वही क्वांटम कंप्यूटर दो फिनोमेनन के ऊपर बेस्ड है, क्यूबिट्स और सुपरपोजिशंस, जो खुद में मिलियंस ऑफ डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। अगेन चाइना ने साल 2020 में क्लेम किया था कि उनके साइंटिस्ट ने पाया कि क्वांटम फिजिक्स के नियमों पर काम करने वाला क्वांटम कंप्यूटर किसी भी सुपर कंप्यूटर से 100 ट्रिलियन टाइम्स फास्टर होगा। सुपर कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटर में सबसे बड़ा डिफरेंस होगा इनकी साइज में। एक सुपर कंप्यूटर की स्पीड डिपेंड करती है इसके बढ़ते प्रोसेसर्स के साथ, यानी बढ़ती स्पीड का मतलब है बढ़ती साइज। वहीं गूगल जिस सीका मोर क्वांटम प्रोसेसर को बनाने में जुटा हुआ है, वो साइज में भी छोटा होगा और उसकी कैलकुलेशन स्पीड इतनी फास्ट होगी कि आज के सुपर कंप्यूटर को अगर लोकल ट्रेन माने तो सीका मोर क्वांटम प्रोसेसर होगा एक बुलेट ट्रेन। मैथमेटिकल भाषा में समझाए तो सीका मोर जो सोल्यूशन देने में 200 सेकंड्स लगाएगा, उसी सेम कैलकुलेशन को सॉल्व करने में आज के सुपर कंप्यूटर को 10,000 साल लग जाएंगे। अब बात करते हैं प्राइस की, तो एक एडवांस सुपर कंप्यूटर बनाने का खर्चा 100 मिलियन से 300 मिलियन डॉलर्स के बीच आता है। मतलब ये बहुत ही महंगा बिजनेस है। इंडिया के पास प्रत्युष और मिहिर नाम के सुपर कंप्यूटर्स हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी पुणे और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट नोएडा में लगे हुए हैं। इनकी कीमत है 438 करोड़ रुपए। चाइनीज सुपर कंप्यूटर सनवे ताइहू लाइट को बनाने में 273 मिलियन डॉलर्स लगे थे। वही क्वांटम कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को बनाने में ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आ रहा है। आपको याद ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है क्वांटम कंप्यूटर रिसर्च प्रोग्राम के लिए। अभी तक कमर्शियली जो क्वांटम कंप्यूटर अवेलेबल है वो है D-Wave 1। इसकी कीमत है $15 मिलियन। D-Wave को गूगल और नासा भी यूज करते हैं। 1 क्यूबिट वाला प्रोसेसर लगभग $10,000 का पड़ेगा और एक फुली मैकेनाइज्ड क्वांटम कंप्यूटर जब एब्सोल्यूट जीरो पर काम करेगा तो उसकी कीमत इतनी ज्यादा आएगी कि उसे अफोर्ड करने के लिए हमें मिलेनियर होना पड़ेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब हम ग्रैंड पेरेंट्स बन जाएंगे तब हमारे पोते पोतियां क्वांटम कंप्यूटर के साथ अपना काम निपटाए। अब इनके यूज को लेकर के कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। जैसे आपको अपने शहर का टेम्परेचर, वेदर रिपोर्ट्स या बारिश होने की संभावना चेक करनी होती है तो आप झट से गूगल पर सर्च करते हैं और हफ्ते भर का हाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाता है। तो ये सभी यूजफुल डेटा हम तक पहुंचता है सुपर कंप्यूटर की वजह से। USA में हरिकेन जैसे तूफान कब आएंगे, उनकी लैंडिंग कहाँ होगी, कौन से एरिया को ज्यादा प्रभावित करेंगे, इनकी भविष्यवाणी भी सुपर कंप्यूटर ही करता है। यूं कहें कि कोरोना महामारी में आपको साल भर के अंदर अगर एक वैक्सीन मिल पाई है तो थैंक्स कहिए सुपर कंप्यूटर्स को, जिन्होंने इतने कम समय में एक कारगर वैक्सीन डेवलप करने में हेल्प की है। वहीं क्वांटम कंप्यूटर्स में डेटा स्टोरेज पॉसिबल नहीं हो पाया है क्योंकि डेटा ज्यादा देर टिक ही नहीं पाता है, इसलिए लार्ज कैलकुलेशंस पॉसिबल नहीं हो पाए हैं।
पर जितना भी हो पाया है उससे क्वांटम कंप्यूटर्स की स्पीड मालूम चल गई है कि ये कितनी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। ये जब हकीकत में बनकर तैयार हो जाएंगे तो इनसे मेडिकल ड्रग्स बनाने का काम बहुत ही फास्ट हो जाएगा, क्योंकि तब लैब में सालों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेस्ट एंड ट्रायल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात जो क्वांटम कंप्यूटर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही है, ये किसी भी सुपर कंप्यूटर के बनाए हुए हाई एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स को भी तोड़ सकता है। मतलब जिस भी देश ने सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली वो अपने दुश्मन देशों के छक्के छुड़ा सकता है। आईटी, बैंकिंग, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, पावर एंड न्यूक्लियर प्लांट्स, डिफेंस, सिक्योरिटी, सेंसिटिव डेटा, सीक्रेट प्रोजेक्ट्स, कुछ भी सिक्योर नहीं रह पाएगा। इसलिए चाइना क्वांटम कंप्यूटिंग में $15 बिलियन इन्वेस्ट करने की कमिटमेंट कर चुका है, जबकि यूएसए का बजट अभी $2 बिलियन तक है। अगर क्वांटम कंप्यूटर्स आ गए तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना बूस्ट कर देंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेटा प्रोसेसिंग, कैलकुलेशंस, बिजनेस सॉल्यूशंस, फाइनेंशियल एडवाइजेस, सब कुछ बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तब तक आप जो काम कर सकते हैं वो है क्वांटम कंप्यूटर का इंतजार। लेकिन इस इंतजार को यूं ही जाया नहीं करना है। बने रहिए infinitystream.tv पर और एक्सप्लोर करते रहिए ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज को जिनसे मिलती है कंप्लीट नॉलेज, डीप जानकारियां और फुल फ्लेज्ड जानकारियां। आई होप इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आप क्वांटम कंप्यूटिंग पर लेक्चर तो आराम से दे सकते हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्दी ही और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज के साथ। तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।